अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल खट्टू। ये भी एक रामदेव की डिश है। ये खट्टी मीठी दाल होती है, इसके लिए मैंने ली हुई है दाल। ये तुअर की दाल या हरहर की दाल जो बोलते हैं, इसको मैंने तकरीबन 1.5 कप जितनी मेरे पास दाल थी, मैंने इसको आधा घंटा भिगो दिया और नमक डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने प्रेशर दे दिया, तो ये बिल्कुल अच्छे से पक गई है और इसमें मैंने कुछ भी नहीं मिला था। अब इसके अंदर जो हमें मसाला चाहिए, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, तीखा आपको जितना चाहिए उतना, हरी मिर्चें मैंने 3 टीस्पून ली हुई है, हरी मिर्चें पीसी हुई, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून जाएगा इसमें, दालचीनी पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून, रोस्टेड ज़ीरा पाउडर 2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, इसके अंदर बघार में जाएगा ज़ीरा 1 टीस्पून, 5 से 6 लौंग, 1 बड़ी दालचीनी साबुत वाली, 1.5 टेबल स्पून जितना ग्रेटेड कोकोनट, शुगर अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, आपको जितना मीठा पसंद हो उतना, मैंने ली हुई है 7 टीस्पून, मगर अगर मुझे ज़्यादा चाहिए होगी मैं इसमें मिलाऊंगी, सो ये अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, इसकी कोई क्वांटिटी नहीं होती। ये इमली का पल्प है, इसकी भी कोई क्वांटिटी नहीं होती, आपको जितना तीखा मीठा खट्टा मीठा चाहिए आप इसमें मिला सकते हैं। मैंने लिया हुआ है तकरीबन 1/4 कप जितना मैंने पल्प लिया हुआ है, मगर जितना ज़रूरत होगी मैं उतना मिलाऊंगी। 1 ग्रेटेड बॉयल एग, धनिया तकरीबन 3 टेबलस्पून जितनी हरी धनिया है, और बड़ी वाली मिर्चें 2 मैंने ली हुई है बीच में से कट करके, और साबुत वाली स्वीट वाली चिली माइल्ड वाली ये मैंने 3 ली हुई है। दाल को हमने प्लेन ही बॉईल करना है, इसके अंदर मसाला नहीं डालना है। अगर मसाला डाल के हम बॉईल करेंगे तो हमारा टेस्ट चेंज हो जाएगा। दाल बॉईल हो गई है, अब मैं इसके अंदर ये सारे मसाले मिला दूंगी। मैं अभी मिला रही हूँ 1/2 से थोड़ी सी ज़्यादा शुगर। अब मैं इसको पहले पीस लूँगी। दाल मेरी अच्छे से पिस गई है, मुझे इसमें नमक की ज़रूरत है। इसमें मैंने शुगर सारी मिला दी थी, अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी इमली का पल्प, और अब अपने टेस्ट के हिसाब से मैं इसको खट्टा मीठा कर लूँगी। इस दाल को आप पीसते हुए खट्टा मीठा चख लें। अभी मेरी दाल रेडी है, अब हमें इसको बघार देना है। मैंने तेल गरम कर लिया, इसके अंदर मैं हमारा बघार डाल दूंगी। ये होने के बाद हम इसमें डाल देंगे मिर्चें और खोपरा ग्रेटेड कोकोनट, इसको हम 2-3 स्टर देंगे। ये हो जाएगा, हम इसमें डाल देंगे हमारी दाल। इसमें मैंने पीसते हुए थोड़ा सा पानी भी मिलाया था, अब आपको जितनी पतली गाढ़ी चाहिए उतना पानी आप मिलाएं इसमें। इसके अंदर कुछ लोग बनाना भी ऐड करते हैं, तो आपको पीसते हुए इसमें बनाना ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो। मुझे पसंद नहीं है सो मैं नहीं मिला रही। जब हमारी दाल इतनी हो जाएगी कि हमें जितनी गाढ़ी चाहिए उतनी हो जाएगी, और तकरीबन ये 6 से 7 मिनट तक ये अच्छे से बॉईल हुई है, अभी इसमें डाल देंगे हम एग और ये हरा धनिया, और इसको अगेन एक बॉईल दे देंगे, और फिर ये डिश आउट के लिए रेडी है। तकरीबन मैं इसको अगेन पकाकर 2 से 3 मिनट ढकना कवर करके पकाऊंगी, तो फिर ये रेडी है। आलू और फ्राई बैंगन के लिए हमें चाहिए थोड़े से आलू। मैंने तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हुए, छोटे वाले, 1 बैंगन लिया हुआ, इसको भी मैं थोड़े पतले पतले स्लाइस कर लूँगी। इसके अंदर जो मसाला हमें लगाना है उसके लिए मैंने लिया हुआ है 1/2 टीस्पून जितना दालचीनी का पाउडर, 2 टीस्पून रोस्टेड धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून रोस्टेड ज़ीरा पाउडर, हरी मिर्ची अपने टेस्ट के हिसाब से मैंने 1.5 टीस्पून ली हुई है, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से 1/2 टीस्पून, हल्दी ली मैंने 1/4 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून से 1/4 टीस्पून, रेड चिली पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1/1 टीस्पून, और हमें 1 नींबू चाहिए।
हम इन सब को मिक्स कर लेंगे और इसके ऊपर मसाला लगा देंगे। मैंने मसाला मिक्स कर लिया और मैंने बैंगन भी कट कर लिए इतने मोटे मोटे। अब मैं सबको मिक्स कर लूँगी। ये मिक्स हो गया है, आप चाहें तो इसको आधा पौना घंटा भी मैरिनेट करके रख सकते हैं और इसके बाद आप इसको फ्राई कर लें। इस तरह से शैलो फ्राई कर ले आलू और बैंगन को। ये हम साथ सर्व करते हैं दाल खट्टू के। ये मैंने फिश भी बनाई हुई है, फिश में भी सेम मसाला था, सिर्फ मैंने जिंजर इसमें नहीं डाला था, पेस्ट जिंजर का। सो इस तरह से हम इसको सर्व करते हैं। ये रेडी है हमारा दाल खट्टू। ये हम चावलों के साथ और फ्राई बैंगन आलू और फ्राई फिश के साथ सर्व करते हैं। ये मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की थी। आई होप आप ट्राई करेंगे, आपको ज़रूर से पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।